हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आप जो है परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी अपडेट्स और काफ़ी वीडियोस देखने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में एग्ज़ाम डेट कब है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको कुछ जो है अपडेट्स बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा कि इस समय तो फिलहाल जो है कोरोना वायरस का चलिए प्रकोप चल रहा है। इसके पहले क्या था? कुछ नहीं था। उसके पहले जो एक छोटी सी अपडेट आई थी कि जो उन्होंने एक टेंडर पास किया था, ई टेंडर, वो जो है 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, बट अब तो क्लोज़ हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। अब तो 14 अप्रैल तक तो अभी आपको खुलेगा ही नहीं। अब उसके बाद फिर से जो है हमारे देश की क्या हालत है आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है और कोरोना वायरस का जो प्रकोप चला, उसकी वजह से GDP, इकोनॉमिक, सब कुछ जो है नीचे जा रही है ऑब्वियसली। तो इसका जो इफेक्ट होगा ना, ये सबका एग्जेप्ट जो है अपने जो है जॉब्स पे पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब्स जो है आपके आरआरबी की, अब इनके लिए एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए फिर से अथॉरिटी पास होगी, सब कुछ होगा। और इसके लिए जो समय जाने वाला है वो 1-2 महीने का नहीं, ये कम से कम 3 से 4 महीने के ऊपर जाएगा। यानी कि अगर हम एक्सपेक्ट भी करें तो बहुत ही ज़्यादा आप जो है कम से कम समय लगेगा, तो भी आपका जो है सितंबर से अक्टूबर का समय लग सकता है, वो भी अगर सब कुछ जो है आरआरबी ने फास्ट स्टार्ट किया तो। तो अगर सितंबर से पहले जो है आपका एग्ज़ाम्स को लेके आपकी कोई भी अपडेट नहीं आने वाली है अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, चूँकि और काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं कि आर्टिकल्स में हम आपको कुछ दिखा दें या फिर कुछ ऐसे, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों सिर्फ ये है कि अपडेट्स कुछ ना कुछ जो है पेपर्स में छपते रहते हैं, कुछ ना कुछ रोज़ आते हैं। पर फिलहाल जो है आज की डेट में, जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च यानी आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जो है कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जैसे ही कोई अपडेट आएगी आरआरबी एनटीपीसी की, तो हम उसकी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पर। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम्स तो आपके होंगे, ये है कि कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेट हो लतीफ़ हो, लेकिन दोस्तों आपको जो है एग्ज़ाम्स तो होने ही वाला है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी स्टडी। जी हाँ दोस्तों, वो कोई नहीं देखेगा कितने समय के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, वो सब देखेंगे कि आपने मार्क्स कितना स्कोर किया, आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्टडी जो है कंटिन्यू कीजिए, उसे लगातार कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास ना आपके पास। जी हाँ दोस्तों, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको तो पढ़ना ही होगा, और एग्ज़ाम्स वो होना सरकार के हाथ में है। और सरकार अभी समय जो है समस्या से जूझ रही है, तो जैसे ही कुछ अपडेट आएंगे 14 अप्रैल के बाद, तो दोस्तों हम आपके लिए जो है नई अपडेट लेकर आएंगे स्मार्ट नौकरी चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे हम आपको जो है लेटेस्ट अपडेट तो देते ही हैं, साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाएंगे, जो हमारे पर्सनल नोट्स होंगे, जो हमने खुद जो स्टडी करके एग्ज़ाम्स को क्रैक किए हैं, वो तो सारे नोट्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, तो आपके लिए स्मार्ट नौकरी चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।